ओके मैम, मैम वो क्लासरूम पूछ रहे हैं। क्लासरूम में 10 रुको मैं बाहर देख जाती हूँ। ओके मैम। मैम बच्चों का सीट कवर है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं भी बोल नहीं रही।
मैम आपकी आवाज बहुत इको प्रोडक्शन हो रही है, बहुत पीछे से आ रही है। मैम क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम क्लियर आवाज नहीं आ रही। नो मैम मैम क्लियर नहीं है। यस मैम आज हमारा रेसिपी टू का बाय बाय हो रहा है। पता नहीं बच्चे इतने हैं कि तुम लोग आपकी वाइवा है। अच्छा नजर से सारों का हो जाए तो तुम लोग का फिर बात ये बच्चों की आवाज नहीं आती कहते क्लियर नहीं होती अच्छा ये तो देखकर अच्छा वो मुझे कह रहे हैं कि मेकअप क्लास ले लो तो इस वजह से मैंने मैम आ रही है लेकिन कानों में लग रही है। कानों में लग रही है। यस मैम क्लियर नहीं है। अच्छा चलो फिर ऐसे ही निकाल लो ऐसा फिर क्यों नहीं किया ये तो क्या बोल रही हूँ। अब देखो अच्छा पहले हमने साइनिंग मैनेजिंग लेनी कर रहे ठीक है तुम लोग भी मुझे इसमें तुम लोग भी बोल कर लो पार्टिसिपेट करना तुम्हें मुझे पता ही होगा क्या बोल कह रही है समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ क्यों मैं मास्क की समझ आ रही है मेरी मास्क की वजह से क्या आवाज आ रही
मैम आवाज आपकी आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही। देखो कैमरा चाह रहा था, इसका मतलब आप ऑडियो भी सुन रहा, कैमरा ना चाह रहा उठकर ऑडियो का मसला होता है। चलिए ठीक है, मैं एक आप बताती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग पढ़ना अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग टेक्निकल नॉलेज, ठीक है करेंगे। मैं ना 11 o'clock तक लेके 1:30 तक ले दूंगी, 2 o'clock तक ले लेंगे, ठीक है? कोई सूत्र नहीं दिखेगा, 17th को तो तुम लोग का वायरा भी नहीं है ना, क्लिनिकल रिस्क और पेशेंट सेफ्टी का क्या लिंक हो सकता है? मैम क्लिनिक पे जो भी रिस्क हो सकते हैं लाइक मेडिकेशन में रिस्क आ सकता है जो भी, तो उससे हमने पेशेंट की सेफ्टी करनी होती है। हाँ बेसिकली इनका ये लिंक है, बेसिकली इनका ये लिंक है कि देखो क्लिनिकल रिस्क को हमने रिड्यूस कर रहे हैं पेशेंट सेफ्टी के लिए, ठीक है? उसमें ये है कि हमने क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली जो है वो कंसर्न है पेशेंट सेफ्टी से, क्योंकि जितना हम क्लिनिकल रिस्क को मैनेज करेंगे उतनी ही पेशेंट सेफ्टी जो है वो देखते होंगे, ठीक है? इसमें ये जब हम क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज जो है इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, कि हम लोग ये आप लोग देखते हैं कि जी हाँ जी हाँ जी मैम आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, डबल डबल आवाज आ रही है आपकी। कैसी आवाज आ रही है मैम? डबल डबल आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं लग रहा आप क्या बोल रही हैं। चलो फिर थोड़ी बहुत तो समझ आ रही है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब इससे बेहतर नहीं हो सकती आवाज, ठीक है मैम? चलो वो बेसिकली अब ये पता नहीं लेक्चर हॉल में क्या इशू है कि ये नीचे बेसमेंट में पता नहीं सिग्नल्स नहीं आते क्या है, यहाँ बिल्कुल अजीब से यहाँ के रूम से भी थोड़ा सा इशू है। अच्छा उसमें बेसिकली ये कि हम लोगों ने ये देखा कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पेशेंट को रिस्क में डाल रही है, ठीक है? और ये बेसिकली हमने आप इन रिस्क को कंट्रोल कर रही है, ठीक है बच्चों? सो तो नहीं रहे? नो मैम, मैम ये जो पीछे बच्चे हैं ना क्लास में जब वो बोलते हैं उनकी आवाज सही आती है, आपकी आवाज गूंज रही है। यस मैम, मैम माइक शायद ज्यादा करीब है इसलिए। आप ठीक आ रही है?
यस मैम यस मैम अच्छा आप इसको देखते हैं कि बोर्ड पर वापस तो आते हैं इधर लोड को मैनेज करने के लिए ठीक है सबसे पहले जितने भी टीम के पहले चीज होती है आइडेंटिफाई करना कि सबसे पहले पता है जी भी क्या रिस्क क्या है तो उसके बाद ही आप उसको मैनेज कर सकोगे तो सबसे पहले आपने देखे कि रिस्क है क्या कि किन किन चीजों से पेशेंट को रिस्क हो सकता है कि उसके बाद देखते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी क्या है मतलब वो रिस्क कॉन्टिटी कितने चांसेस है और उसकी स्वेयर कितना होगा ठीक है उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आपने उसको रिड्यूस करना और एलिमिनेट करना है क्योंकि उसके बाद कॉस्ट कर रहे हैं कि बेसिकली आपने ओवरऑल देखना है कि रिस्क जो है कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है कितना है स्वेयर हो सकता है और किस तरह जो है इसको मतलब कैसे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि आपने बेसिकली ये कर रहे हैं आपने सबसे पहले टॉपिक की आप ये देखो कि रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे अप्लाई करने ताकि आप ये हो ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको रिस्क और टेस्ट कर सको और उसकी ये और ये जो वर्क है आपको पता हो कि क्या क्या रिस्क है ठीक है तो आपने कैसे उनको मैनेज करना रिस्क को ये पिछले स्लाइड पर भी जाते हैं अच्छा नॉलेज रिक्वायरमेंट ठीक है अब इसमें ये है कि आप देखो एक तो ये देखते हैं कि डॉक्टर कितना मतलब एक जो डॉक्टर है वो कितना प्रोफेशनल है वो कितना करेक्टली कितना अकाउंटेबल है कि वो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं ठीक है और जिनसे आपको बेसिकली ये बता रहे हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है रिस्क के बारे में और देखिए कितने फैक्टर्स रिक्वायर है आप बेसिकली एक डॉक्टर जो है उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको सारा नॉलेज हो कि रिस्क क्या है उसका रिस्क क्या है और ये कि वो किस तरह से अपना पर्सनली कैसे उन रिस्क को मैनेज कर सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीजें ठीक है बच्चों सो तो नहीं है नो मैम ठीक है आप देखो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ठीक है और देखो बेसिकली एक डॉक्टर की टाइप चेक किया जाता है कि वो रिस्क को कैसे करेंगे सबसे पहले तो ये उनको ये बताओ कि किस तरह रिस्क और हैजर्ड को जो है वो केस में रिपोर्ट करना है ठीक है और ये जो डॉक्टर की एज तो सबसे पहले बात है कि सही तरीके से पेशेंट का हिस्ट्री ले तो हिस्ट्री से ही डायग्नोज हो करेगा सारा कुछ ठीक है और ये पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो एक रेंगे में और कम्प्लीट ले ठीक है उसके बाद ये तो सबसे अटेस्ट करें कि वो किस तरह ऐसे को चीजें करेगा कि वो रिस्क मिनिमम हो पेशेंट को ठीक है और इसके अलावा ये किस तरह की मीटिंग वगैरह होती है जिसमें पेशेंट सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस किया जाए ठीक है और ये जो अब पेशेंट या फैमिली जो है अगर वो कोई चीज बता दें अगर उनके साथ पहले कुछ हो चुके हैं तो हॉस्पिटल में कुछ बता दें तो कैसे ऑन करती है ये डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है कि उसको सही तरह से फॉर्म करें ठीक है तो उसको बता रहे थे कि क्या क्या रिस्क है और कैसे वो उनको मिनिमाइज कर सकते हैं बेसिकली सारे ही लेक्चर जो है ना इसी तरह के एक ही चीज है बस उसको भी फॉर्म करवा के बता दें कि जिस तरह ये चीज आई थी फिर साइजर मैं सोच रही दो दो बच्चे एक्सर कर लें तो वो छोटे छोटे हाँ जी हाँ हमने नाम लिखवा दे आप कैसा है क्या करते हैं बताओ तो
अच्छा उसमें ये क्या देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल सेटिंग में कोई कंप्लेंट वगैरह कर रहे हो ठीक है तो आप उसको सीरियसली लो उसकी बात पे और उसके अलावा ये है कि जिस तरह आप फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हुई है किसी की डेथ हो गई है गॉड फॉरबिड किसी भी वजह से तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है उनको सही तरह से करो ताकि ये पता लगे कि उसकी बेसिकली कॉज क्या थी जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी की पोस्टमार्टम वगैरह नहीं होता जिस तरह तो वो बेसिकली उनको कहते हैं क्रोनियल इन्वेस्टिगेशन अब इन चीजों को बहुत ज्यादा कम होता है आप इन चीजों में बहुत अगर सीरियसली लोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि आप कैसे क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो ठीक है कि बेसिकली किसी की डेथ के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है क्या रीजन थी इस तरह आप लोग के क्या थे नाम मिला नाम बताओ और आपका जी जोरा और आपका आपके नीचे शक्ल हो जाए लेकिन मुझे आपके क्या नाम अरुणा तुम्हें भी ऐसे कुछ फिजियोलॉजी मैंने फिजियोलॉजी में बढ़ाई थी मुझे भूल गया था कि मैंने कौन सी मैंने अच्छा लोगों से पूछ रही हूँ आप मुझे कौन सा देख रहे हो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है ध्यान दिए करो मुझे बताओ कि क्रोनियल इन्वेस्टिगेशन क्या मैंने बताइए अभी क्या होती है आदिल आदिल यार मैं क्या बताऊं आशा आपको मैं कोई वादा नहीं तो बच्चे क्यों सो रहे हैं क्योंकि समझ नहीं लग रही आप क्या कर रही हैं बात क्या कर रही मैम सच्ची कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसे लग रहा है जैसे क्लास में लड़ाई हो रही होती है मतलब मैम थोड़ा आहिस्ता से पढ़ाएं जरा अभी चेक करते हैं प्यार प्यार से आवाज वैसे आ रही है तेरे से लगता है क्लास में लड़ाई हो रही है आवाज ही बोला मुझे लड़ाई नहीं आती थी मैम आप ऐसे करें कि इधर जो क्लास में बच्चा बैठा ना उसकी किसी का जूम मीटिंग ज्वाइन करके देखें उससे बोलें ऐसी आवाज आ रही है अजीब सी आवाज आ रही है कि समझ भी नहीं आ रही है एक पॉइंट भी नहीं समझ आया अभी तक आप बोल रही हो ना आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम की नहीं आ रही अच्छा ये बच्चे बोल रहे थे कि आवाज क्लियर तुम लोग मेरी मीटिंग ज्वाइन की थी मेरी चलो नीचे करो अच्छा आवाज कैसी आ रही है कोई ऐसी आ रही है जिसने पहले आ रही थी मैम कहीं आवाज आपकी ऐसी तो नहीं है मैम ब्रेक हो रही है काफी क्या कह रहा आपकी आवाज ऐसी तो नहीं आपसे आवाज आपसे मैं लड़की क्लास में मैम आप किसी बच्ची को जो है ना साथ खड़ा करके ट्रांसलेट करवाती थे साथ से आ रही है लेकिन
अच्छा मेरी क्लास में कैसी आ रही है बताओ, अब पूरी क्लास में घूमती हूँ, अब मेरी आवाज का कैसी आ रही है बताओ। जगह चेंज करके देखिए क्या कह रही है। अच्छा यू मतलब आपको मीटिंग कॉल कर रहे हैं, तो मैंने आपके कॉल पे स्टूडेंट को कहें कि वो जूम की मीटिंग ज्वाइन करे और उसके माइक ऑन करवा दें और आप अपने पास रख लें मोबाइल। रूम चेंज कर लो। यस मैम कर रहे हैं। मैम कर ले। चलो आप में से कोई एक बच्चा बोले जिसकी आवाज ऊंची है, देखते हैं उसकी आती है नहीं। बच्चों मेरी बात सुनो, देखो आप मेरी आवाज आ रही है। मैम उसकी भी ऐसी आ रही थी। आप लेक्चर रिकॉर्ड करके भी तो भेज सकती है, रिकॉर्ड कर दे। नहीं तो रिकॉर्डिंग में तो ऐसी भी आ जाएगी जल्दी इनको आ रही पता क्या करते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि वो वाला रूम देते हैं, वो रूम बहुत अच्छा है, चुप करके वहां जाते हैं तो रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं लेक्चर में। रिकॉर्डिंग अगर उनको चाहिए तो रिकॉर्डिंग में भी ऐसी आवाज आएगी जैसे वो बच्चे कह रहे हैं। और एक सेकंड में ना मेरे उनको चोरी ना करा के यस मैम रिकॉर्डिंग में भी ऐसी आएगी। दोबारा बोलो आवाज आ रही है। ओ ये मैम है। हाँ जी आ रही है।
अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम आ रही है सही। चलो ठीक है, ऐसा ना मीटिंग दोबारा से ना बन करके दोबारा से ज्वाइन करते हैं, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों ने सारा पहले टाइम वेस्ट कर दिया। आ रही है नहीं आ रही, आ रही नहीं आ रही, ठीक है? यस मैम। अच्छा नहीं, मीटिंग बंद नहीं कर सकते, मुझे इसका लिंक ही नहीं पता। एक सेकंड आ रही है, आप पढ़ा ले। तो तुम लोग रिकॉर्डिंग में इतनी देर या आ रही है नहीं आ रही है सारा कुछ ये भी खुद ही स्किप कर लोगे ना, ठीक है? दोबारा से मेरा नहीं मिल रहा। अच्छा चलो चीनी से थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। चलो ठीक है, आप मैं पढ़ाऊँ क्या है मतलब नजर पढ़ा दे। चलो अच्छा मेरी बात करो। चलो ठीक है, आप सबसे पहले ये है कि ये यहाँ से दोबारा से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? स्लाइड नंबर 2 से कि हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लिनिकल रिस्क जो है वो कैसे रेलेवेंट है पेशेंट सेफ्टी के। तो उसमें ये है कि ऑब्वियसली देखो, जब रिस्क जो है जितना ज्यादा होगा उतनी ही पेशेंट सेफ्टी कम होगी, ठीक है? तो क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट सेफ्टी के लिए, ठीक है? जितना हम क्लिनिकल रिस्क को मैनेज करेंगे उतनी ही पेशेंट सेफ्टी अच्छी होगी, ठीक है? ठीक है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? ऐसे लग रहा है कि सिर्फ मैं बातें कर रही हूँ, पेशेंट सेफ्टी के लिए। अच्छा अब उसके बाद क्या है कि फोर्थ स्टेप प्रोसेस क्या है क्लिनिकल रिस्क को मैनेज करने के लिए? सबसे पहले ये अच्छा, आप सबसे पहले फोर्थ स्टेप प्रोसेस क्या है मैनेज करने के लिए क्लिनिकल रिस्क को? भी सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर इसको आइडेंटिफाई करोगे तो ही मैनेज कर सकोगे ना आप लोग, ठीक है? सबसे पहले कि रिस्क को आइडेंटिफाई करो, ठीक है? उसके बाद ये देखो कि वो उस रिस्क की क्या फ्रीक्वेंसी है, कि कितना फ्रीक्वेंटली वो रिस्क जो है मतलब एक चीज है, अगर कोई किसी से पेशेंट को हार्म हो रहा है किसी चीज से तो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ठीक है? और ये कि उसकी सेवेरिटी क्या है, ठीक है? उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि आप इसको रिड्यूस करो और एलिमिनेट करो, ठीक है? अच्छा अब उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने सबसे पहले मैम ये कॉस्ट द रिस्क जो है वो सही से समझ नहीं आया तो वो बता दे दोबारा। बेसिकली कॉस्ट का रिस्क का ही मतलब है कि उस रिस्क की मतलब जिस तरह अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी रिस्क की वजह से पेशेंट को भी डैमेज वगैरह हुआ है, ठीक है? तो उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप मतलब किस कॉस्ट तक डैमेज हुआ है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल के कोई और अगर पेशेंट का जो नुकसान हो रहा है तो उसकी वजह से क्या उसको फॉर एग्जाम्पल अगर गलत सर्जरी कर दी है तो उसको दोबारा से सर्जरी करानी पड़ेगी, ठीक है? तो उसमें ये है कि पेशेंट के लिए कितना वो कॉस्टली है वो चीज, समझ आई? लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो ये कि आपको बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, ठीक है? उसमें ये है कि आपको बेसिकली वर्क प्लेस से पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें जो है वो हैजर्ड्स है और क्या क्या चीजें पोटेंशियल रिस्क है पेशेंट के लिए। बेसिकली इस लेक्चर में एक ही चीज है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? उसको हर साइड में घुमा फिरा के एक ही बात कीजिए कि आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करें आप रिस्क को, ठीक है? और ये देखो कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी सेवेरिटी और उसके बाद एलिमिनेट करो। ये चीज हमने नोटली इस लेक्चर में बेसिकली ये चीज बताइए जो बार बार घुमा फिरा के बताइए, एक दो चीजें बस आएंगी आगे, ठीक है?
उसके बाद नॉलेज रिक्वायरमेंट। अब आप ये देखो कि बेसिकली एक जो डॉक्टर है ठीक है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो उसका नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉक्टर है ठीक है उसको एक तो ये चलो फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी इस तरह का नॉलेज भी होना चाहिए, उसके अलावा ये भी नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं किसी भी प्रोसीजर वगैरह में ठीक है। मतलब बेसिकली ये एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसको ये बताना चाहिए कि अगर रिस्क तो क्या क्या हो सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर कोई रिस्क कोई अगर क्लिनिकल रिस्क वगैरह कोई इस तरह की चीज कोई हार्म वगैरह अगर हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे करना है। या ये पहले तो ये कोशिश करें ना कि कोई ऐसी चीज हो ही ना, कोई हार्म वगैरह हो ही ना ठीक है। अब बेसिकली ये कि ये डॉक्टर पे बेसिकली डिपेंड करता है कि वो किस तरह, और इसको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या चीजें रिस्क फैक्टर्स हो सकती है पेशेंट्स के लिए ठीक है। तो अब इसके बाद है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ठीक है। अब इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये कि एक डॉक्टर के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले तो हिस्ट्री वो ठीक तरह मतलब ठीक तरह से हिस्ट्री ले पेशेंट की ठीक है। अगर वो हिस्ट्री नहीं ठीक तरह करेगा तो ऑब्वियसली डायग्नोसिस भी ठीक होगा, और ये कि वो पेशेंट की मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह भी सही तरह से तो मतलब वो कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड रखे, ये ना कि कोई चीज मिस हो जाए उसमें, वो भी देखो भी पेशेंट के लिए रिस्क होगा अगर आप कोई चीज उसके मिस कर देंगे रिकॉर्ड के से ठीक है। उसके अलावा ये कि एक तो डॉक्टर को सेल्फ असेस भी करना चाहिए कि बेसिकली कोई उसकी वजह से तो नहीं पेशेंट को कोई रिस्क होगा, मतलब ये कि उसका नॉलेज कम है या उसको सही तरह से नहीं कोई चीज मैनेज करनी आ रही तो उसकी वजह से तो नहीं पेशेंट को रिस्क आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तो डॉक्टर के हाथ में होता है। बेसिकली डॉक्टर को ये भी करना चाहिए कि अगर कोई कंप्लेन कर रहा है पेशेंट या उसकी फैमिली वगैरह तो वो उस कंप्लेन को ध्यान से सुनना चाहिए कि मतलब किस वजह से उनकी मुश्किल आ गई या वो क्या इनके लिए क्या चीज हार्मफुल है इस तरह ठीक है। तो ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरह से सिचुएशन में परफॉर्म करे। क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज, अब देखिए इसमें ये है कि क्लिनिकल रिस्क को अब हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। उसमें एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो उसको डॉक्टर को चाहिए कि सही तरह से मॉनिटर करे, और सेंटिनल इवेंट्स का जिस तरह से वो इवेंट्स होते हैं आगे हम देखेंगे जिनकी वजह से डेथ वगैरह हो जाती है पेशेंट की ठीक है। अब ये है कि बेसिकली आप देखो कि एक किस तरह आप मैनेज कर सकते हो रिस्क को, किसी की जो कंप्लेंट्स और जो कंसर्न है ठीक है, जो भी पेशेंट की कंप्लेंट्स है या कंसर्न है आप इनको सीरियसली लो ठीक है, ताकि आइंदा जो पेशेंट आए हैं आप देखो कि कोशिश करो कि दफा कंप्लेंट ना हो कोई भी वैसे ठीक है। उसके अलावा ये कि अगर किसी पेशेंट की अगर डेथ वगैरह होती है तो क्रोनियल इन्वेस्टिगेशन जो होती है कि अगर किसी पेशेंट की जिसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है ठीक है, कि बेसिकली अगर डेथ होगी तो कॉज देखोगी किस वजह से डेथ होगी, कि कहीं डॉक्टर से कोई नेग्लिजेंस तो नहीं होगी इस तरह ठीक है। तो उस तरह भी आप क्लिनिकल रिस्क को मैनेज कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या कंसर्न है या तो डेथ हो जाती है या बहुत ज्यादा कोई फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी, और इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने इसमें ये देखना है कि दोबारा से इन इवेंट्स की रेफरेंस वगैरह ना हो ठीक है। कि बेसिकली ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरह जो है कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से कोई सीरियस एडवर्स आउटकम हो ठीक है। जो है अभी देखो कि बेसिकली इसमें ये है कि जिस तरह आप ये देखो कि कंप्लेंट्स को आपने बहुत सीरियसली लेना है कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करे किसी भी चीज की किसी हॉस्पिटल में तो उसको आप सीरियसली लो ठीक है। उसमें ये है कि आप देखो कि किस वजह से कंप्लेन करे ताकि बाकी पेशेंट्स वगैरह कंप्लेन ना करे। देखो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से ना पता लगेगा कंप्लेन से कि बेसिकली क्या हमें फाइल आ रही है पेशेंट्स को, उसकी वजह से आप सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से क्लिनिकल रिस्क को मैनेज कर सकते हो कि आप उनकी बेसिकली आप उन कंप्लेन को लो कि किस वजह से पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं, डॉक्टर की वजह से किसी और चीज की वजह से ठीक है। अब उसके बाद फिटनेस टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, अब ये बेसिकली ना एक डॉक्टर के लिए है कि जिस तरह अगर एक डॉक्टर है ठीक है उसके पास ये चीजें होनी चाहिए, जिस तरह क्रीडेंशियल ये होता है कि एक डॉक्टर के पास जिस तरह अगर मैं आपकी बात करूँ तो मेरा क्रीडेंशियल जो है मतलब ये कि मैं कहाँ से पढ़ी हुई हूँ, मैं सीएमएच से पढ़ी हुई हूँ, तो मतलब वो एक अच्छा इदारा है या नहीं है उसको कहते हैं क्रीडेंशियल ठीक है। जिस तरह मैं दूंगा एक्रीडेशन ये होता है, एक्रीडेशन ये होता है कि आगे से देखो सीएमएच किसके साथ अफिलियेटेड है, जिस तरह अगर मैं तो अपनी एग्जाम्पल दे रही हूँ जिस तरह सीएमएच हमें यूएचएस अफिलियेटेड है वो एक अच्छा इदारा है या नहीं है ठीक है। रजिस्ट्रेशन ये कि आगे देखो कि सारे डॉक्टर्स की हम लोग की रजिस्ट्रेशन होती है पीएमडीसी की,
इसके बाद है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। अब आप ये देखो कि बेसिकली आप अपना भी अपने भी लिहाज से देख सकते हो कि आपने ये देखते हैं कि आपने अपनी अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी और अपने लिए देखते हैं कि आप इसे प्रोफेशनली जो है आप फिट हो प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा ये कि बेसिकली आपको कोई स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, या ये कोई सुपरविजन कि आपको पेशेंट का कम्युनिकेशन गैप वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये सारी चीजों से भी आपको है अगर आप अपनी प्रोफेशनली अपने आपको सेल्फ असेस भी करो कि मतलब कहीं आपके वजह से कहीं रिस्क हो रहा है, आपके फैसली तो बात तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा लेक्चर आज इसी बारे में था कि आप किस तरह से क्लिनिकल रिस्क को एक क्लिनिकल रिस्क जो है आप कैसे उनको मैनेज कर सकते हो, और ये भी एक डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, कि वो कैसे रिड्यूस कर सकता है कंप्लेंट्स को देखे पेशेंट की, और बेसिकली वो ये करे कि वो ये बेसिकली देखे कि पेशेंट उनकी कंसर्न और कंप्लेंट इस तरह की चीजों पर ध्यान देते कहाँ पे लैग हो रहे थे पेशेंट जो है उसको लग रहा है कि शायद ये ठीक नहीं ठीक हो रही, ठीक है। इस चीज को धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके बाद इतना मुश्किल लेक्चर नहीं है, बिल्कुल इसमें मेन मेन सी बातें हैं ऊपर ऊपर से जिस तरह हर चीज को बता रहे हैं कि क्या क्लिनिकल रिस्क को कैसे मैनेज करें, उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर होगा। अच्छा, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह तआला मेकअप क्लास कैसे, अरे मतलब वो आप नहीं कर लेते होंगे टीचर्स में सब लोग, हाँ वायरस के लिए 17th को ले लिया, 17th को ट्यूजडे बनती है ना, तो होपफुली 17th को 11 o'clock एक पहले वाला स्लॉट ले लूंगी लेक्चर से पहले, ठीक है। तो 17 वाला अभी कोई डेट है अगले हफ्ते, अच्छा अगले हफ्ते, अच्छा ये करेंगे कि अगले हफ्ते हम एक ही लेक्चर पढ़ लेंगे जो कि मैंने बच्चों से बार बार बोले, तो जो 17 को फिर इंशाल्लाह कोर्स खत्म कर लेंगे अपना, ठीक है। वो भी 2.5 hours की क्लास होगी, तो लेक्चर तो छोटी छोटी, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में लेकिन आप लोगों की क्लास होगी, आप लोग बीच में से थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन का। अच्छा स्पोकन ही था, मेरी आवाज आ रही थी ना, जो बता नहीं लिखेगा उसके अकॉर्डिंग लिखो भी कम मार्क्स मिलेंगे, मतलब इस तरह इस तरह नहीं मिलेंगे सामने का हाँ यहाँ मैंने लिखा और आज कुछ नहीं, तो मैम ये मतलब चीजें वही हो जो मतलब वो चीजें हो जो होनी चाहिए हमसे, इस तरह नहीं आप कहेंगे जो लोग कहानी एक तो शुरू कर दिया है नहीं आप अपनी लेकिन बात नहीं होनी चाहिए जो उसका आंसर गलत है, मतलब इधर उधर की वो बात करिए बस टू का पॉइंट है, जैसे सही कोई बात करता है तो उसका मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन बात सही हो जवाब सही उसका, ठीक है। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि आप लोगों को थोड़ा सा ना पेपर से पहले कोई इस तरह का कोई लेक्चर वगैरह रखेंगे। आप चारों की कैसे अटेंडेंस हो, नहीं फोर्थ तो आप लोग ना अपने नाम मुझे बता दो और आज की डेट बता दो, ठीक है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस। अच्छा कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा था पूछो, एक सेकंड मैं ना यूं करती हूँ कि आप लोगों की अटेंडेंस आज क्या डेट है भला, इसका पेशेंट सेफ्टी और क्या है ये 3 August और अपने अपने नाम बस मुझे बता दो, सबका नाम
आप बेटे और आपका क्या नाम है? जोया हाँ ठीक है जोया सेक्शन एट ही हो तीन कौन सा सेक्शन है तो सेक्शन एट ही हाँ क्या कर रही हूँ चलो ठीक है ले लो चलो बेटा ठीक है होती है अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ मैम।